तो जो गोल होता है और जिसमें छिद्र बने रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष माना जाता है। और जो रुद्राक्ष बेर के बीजे की तरह होती है, आजकल मेरे भाई बहन रुद्राक्ष बड़ा नकली चल हो गया है, लकड़ी के बना बना के ना बेचे जा रहे हैं, पता है कि नहीं, बिजनेस हो गया है। असली रुद्राक्ष का पहचान क्या है? आजकल तो हर चीज में डुप्लीकेट, नकली। तो जो बेर की तरह होता है उसको धारण करने से जीव का सौभाग्य बढ़ता है। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपको इतना फायदा है पहनने से तो आप धारण क्यों नहीं करते हैं? धारण करने से अगर आपको फायदा है तो अपने घर में सबको पहना है, पूरा परिवार पहने, चाहे तुलसी चाहे रुद्राक्ष। और एक रुद्राक्ष ऐसी होती है जिसके पूरे कुल 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं। बहुत से रुद्राक्ष का अलग अलग वैरायटी है। और इसकी खासियत क्या है? अब आप कहेंगे कि रुद्राक्ष पहन ले तो हमको फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहले फायदा की बात करते हैं। जहां फायदा नहीं होना वहां के बात ही नहीं करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि बताइए दीदी, इसको पहनने से फायदा क्या है? अरे पहले लो तो, पहले पहनो तो। असली रुद्राक्ष अगर आप गले में डाले हैं तो बड़ा सटीक फायदा बता रही हूं। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को भूत कभी नजदीक नहीं आना। वो कितना भी शमशान में घूमते रहे, भूत पिशाच डाकनी ये सब रुद्राक्ष को देखते भाग जाती हैं। कितने फायदे हैं, कितने लोग रुद्राक्ष पहने, जरा बताइए हाथ उठा के बताइए। सोने चांदी मेरे भाई बहन सब यही रह जाएंगे। कम से कम अगर सोने के गहने हैं तो उसे बेच दो, रुद्राक्ष धारण करो। जिंदगी को अगर बनानी है, प्रभु कृपा आनी है, रुद्राक्ष पहनो या तुलसी के माले। जिससे आपको फायदा है कम से कम वो काम तो कर ही लो। अब आती है तिलक की बात। जिसके मस्तक पे इस सफेद भस्म देख रहे हैं ना, आज रुद्राभिषेक के वक्त आपको लगा है ना, जिसके मस्तक पे भस्म लगा होता है, सबसे पहले भोले बाबा उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे ना, बड़े बड़े दुकान में सबका एक ना अलग कॉस्ट्यूम है, कपड़े। कोई दुकान वाले हैं अपना अपना एक ड्रेस रखा है, कोड। तो भगवान का भी कोड क्या है? सफेद पीला तिलक। तिलक अगर आप लगाए हैं तो समझ जाइए कि बाबा की कृपा आप पे और लोगों से अधिक होगी। तो चाहते हैं कि बाबा की कृपा हो,
जरा हाथ उठाए, कौन कौन चाहते हैं? तो आप लोग सब तिलक लगा के आएंगे, आप लोग भी लाल तिलक लगा के आएंगे। ये लाल तिलक क्यों लगाया जाता पता है? लाल रंग जो है ये भगवती का प्रिय रंग है, लाल ये शक्ति का प्रतीक है। और इस जगह पे त्रिनेत्र जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मस्तक पे इसकी बहुत लंबी उसकी बात है। वो हर चीज का सिंदूर का महत्व, तिलक का महत्व। तो लाल तिलक मस्तक पे हो तो एक पावर मिलती है। आप देखते हैं अगर आप ट्रैफिक में जाते हैं, लाल बत्ती जहां जली गाड़ी रुकी। क्या दीदी? गाड़ी रुकती है ना, लाल में इतनी पावर है। लाल भगवती के प्रिय है। हम लोग कहते हैं ना कि माता को क्या पसंद है, कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग। अब लाल करने से मुझे मैया का कुछ बात याद आ गया। संध्या का बेला भी है मेरे भाई बहन, तो रुद्राक्ष आप जरूर पहने। और बाबा की राजधानी है काशी, काशी में बाबा रहना बहुत चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने ये अभी कथा का श्रवण करेंगे कि कथा ये बाबा काशी नगरी कैसे बसी। और वहां जो लिंग है काशी में, विशेश्वर महादेव जो है वहां ज्योतिर्लिंग, वो कैसे हुआ? लेकिन चलिए एक जगदम्बा के चरणों में एक भजन। जगदम्बा घर में दियरा, और मीठी मीठी ताली बजा के माँ जगदम्बा जो विराजमान है। जगदम्बा घर में दियरा बार यही हो, जगदम्बा दियरा बार यही हो, जगदम्बा घर में दियरा बार यही हो, जगदम्बा घर में दियरा बार यही हो, जगदम्बा घर सोने के झारी गंगा जल पानी, सोने के झारी गंगा जल पानी, मैया के रहो मैया के चरण नहीं हो, मैया के चरण पकार हो, जगदम्बा घर में दियरा।
ठाकुरी के भोग बनाए मैया के जय हो मैया के भोग वाला गाओ मैया के भोग कंचन धाल रहो कंचन धाल का पूरक बाती कंचन धाल का पूरक बाती मैया के रहो बोली बोली माता श्री वाली की जय जगदम्बा भवानी की जय। तो एक बार मैं कही ना कि कथा मृत्यु के भय को भगाती है और मन में एक संकल्प हो जाता है कि जो होगा देखा जाएगा, जो भी कार्य करना है अपना समय रहते कर लो, इंतजार मत करो। एक बार शिव और पार्वती हिमालय पे बैठे थे, तो आज मैया ने देखा एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश आता, माँ को ऐसे छू के चला जाता। तो बड़ी मैया तो जहाँ रहती थी वहाँ सब तरह तरह के जीव जंतु थे, एक नन्हा सा खरगोश को देख के मैया के दिल में प्यार उमड़ गया। मैया रोज पुचकारती, उसे हरे हरे घास खिलाती। धीरे धीरे खरगोश का बच्चा बड़ा होने लगा। आज उनके घर पे कैलाश पे विष्णु और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठ के आए हैं मिलने के लिए, जैसे हम लोग मिलने जाते हैं एक दूसरे से। तो जब मिलने आए हैं तो देखते होंगे ना, अगर मान ली कोई बड़े साहब कार में आए हैं तो दूसरा घर उस घर का भी ड्राइवर दोनों आपस में बात करता है बैठ के। मालिक लोग अंदर हैं तो नौकर चाकर आपस में बात करते हैं। तो गरुड़ महाराज क्या किए, बाहर बैठ गए। तो खरगोश जो है वो फुदकता फुदकता आ गया और दोनों में दोस्ती होने लग गई। अब ऐसे ही होता, दिन सप्ताह महीने बीते, खरगोश का बच्चा बड़ा प्यारा बड़ा हो गया। अब मैया पार्वती को भी उससे बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन बोली, जानते महादेव अब मुझे ऐसा हो गया है ना कि इसे देखे बिना मेरा जी ही नहीं, मन ही नहीं लगता, लगता है कब मैं अपना कार्य खत्म करूं और इसके साथ खेलूं। आज बाबा चुपचाप हैं, क्यों कुछ बोलते क्यों नहीं है, बोलते जानती हो
और खरगोश पहले की पता है ना, पेड़ पौधे जानवर भी ना सब मनुष्यों की बात समझते थे, बोलते थे। तभी तो रामचंद्र भगवान जब मैया सीता चोरी हो गई तो लताओं से पूछते थे, तूने मेरी सीता को देखा है? ऐ हिरण, तूने मेरी सीता को देखा है? लताओं पताओं से पूछते थे कि पहले वृक्ष भी बोला करते थे, लेकिन ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि अब हम इतना बोलते हैं कि सारे लोग गूंगे हो गए। हम ही इतना बोल लेते हैं, अब तो बेचारे पेड़ हमें फल देते हैं और ऊपर से पत्थर भी खाते हैं। जिनके घर में जरा आम का पेड़ हो ना तो जरा पूछना, कहते अच्छा होता कि फल लगता ही नहीं। बोलते हैं ना, ये रोज पहरेदारी करो, पत्थर धड़ाम धड़ूम बजते रहता है, मेरा इन्वेस्टर टूट जाएगा, अच्छा होता कि फल ही नहीं लगता। रोज बच्चे आके मारपीट करते हैं फल के लिए। फल बेचारा कहता है, आप कितना भी कहिए, मेरा तो काम है फलना और दूसरे को तृप्त करना। बेचारा मार खाता है लेकिन फल देना नहीं छोड़ता। और हम बुद्धिजीवी होकर भी दूसरे के चीज को छीन लेते हैं, लड़ लेते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं बिना सोचे समझे। मेरे भाई बहन, आज बाबा ने कहा, पार्वती आज इसका अंतिम दिन है। मैया ने कहा अंतिम दिन है? ले हाँ, आज भर तुम देख लो, कल तो ये रहेगा नहीं। क्यों, क्या होगा? अरे भाग्य का लेखा कोई मिटता नहीं है। और वो खरगोश वहीं सुन रहा था, उदास हो गया, कल हम मर जाएंगे। और ये सोचकर वो दूर चला गया, कुछ दूर। तो मैया ने कहा, बाबा ये हिमालय पे रहता है, ये दूर कहाँ जाके मर जाएगा? अरे इसके भाग्य में लिखा है, सात समुद्र पार इसकी मृत्यु लिखी है। सात समुद्र पार? ये भला भुदकता हुआ खरगोश है, ये पर्वत पे रह रहा है, ये सात समुद्र पार कैसे जाएगा? देखो विधना का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। कभी कभी देखते होंगे कोई घटना सुनने में आती होगी, अचानक ही किसी का बेटा कहीं चला गया, जाने वाला नहीं था लेकिन लौट कर नहीं आया। कभी किसी का कि पत्नी बच्चे कहीं जाने वाले थे, नहीं जाने वाले थे लेकिन अचानक मालूम चला कि गाड़ी पलटी हो गई, सारे लोग उसमें मर गए। तो ये सब का भाग्य लिखा है, कितना दिन उसको रहना है, इसका दुख मत मनाइए। वो आपका पुत्र था ही नहीं, वो तो परमात्मा का पुत्र है, फिर उसके लिए क्यों रो रही हैं आप? गुरु नानक जी को उनके जो साथी के बोले, आपका एक बेटा युद्ध में मारा गया, तो बोला कोई बात नहीं, वो तो प्रभु खाता, प्रभु ले लिए। हम लोग ऐसा कर पाएंगे क्या? कभी नहीं। क्यों? कि हम लोग माया से निकलना नहीं चाहते, सच को जानना नहीं चाहते। सच क्या है ये हम लोग सुनना नहीं चाहते, सच क्या है इसकी सच्चाई तक हम लोग जाना नहीं चाहते। सच तो मेरे भाई ये बहन है कि हम सब किसी के कोई भी नहीं है। ये जो यहाँ पे मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, ये मेरा परिवार, ये सब एक नाटक है। और जो इस पे विजय प्राप्त कर लिया वही अच्छा इंसान है।
सच से हम लोग भागते हैं, सच से हम लोग भागते हैं और सच जानना नहीं चाहते। जो सच को जान गया वो भगवान का प्रिय हो जाता है। अभी हमारे बीच ही एक महिला है, अभी नहीं है यहां पर, मानसरोवर गई और आके अभी बाबा धाम में कैंप लगा है, वहां सेवा करने चली गई। हमारी आपकी तरह तो भी है, आप में भी वही ऊर्जा है, उनमें भी वही ऊर्जा है, लेकिन आप माया में इतना लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं गंदगी में, आप नहीं निकलोगे। जो निकल गया वो विजय प्राप्त कर लेता है। और हाय पैसा, हाय पैसा, कोई ऐसा अर्थी बना है जिसमें मुर्दे के कपड़े में पॉकेट हो, जिसमें बैंक का पूरा चेक डाल दिया जाए? नहीं। लेकिन कथा करने वाले लोग सुनाते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, क्या पता हम लोग बहुत दिन तक जी जाएंगे तो फिर पैसा नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी तो। अरे जब आप भगवान के शरण में चले जाओगे ना तो तुम्हारी गाड़ी वो खुद चलाएगा आके। आप देखते हैं मंदिर में भगवान कहीं बैठे रहते हैं क्या? मंदिर में भगवान हमेशा खड़े रहते हैं ना, क्यों? पता नहीं कहां से मेरा भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए और हमें जाना पड़ जाए। सब कुछ करता रहता है पर मौन है, मौन रहकर पूरा दुनिया को चलाता है। और हम क्या कहते हैं, मेरा एक काम हो जाएगा तो कथा कराएंगे, मेरा ये बड़ा टेंडर पास हो जाएगा तो सत्यनारायण की पूजा कराएंगे, मेरा ये बड़ा काम हो जाएगा, बेटी का विवाह वर मिल जाएगा तो 10 ब्राह्मण का भोजन कराएंगे। क्यों भाई, ये भगवान आपके नौकर हैं क्या? ये सुंदर तन दिया, ये सुंदर मन दिया, धन दिया, परिवार दिया, और आप धमकी दे के भगवान के रखते हो? ब्लैकमेल। किसी व्यक्ति को पूछो कि अरे भाई कुछ सेवा करोगे? नहीं है अभी, अभी बोलते देरी नहीं कि नहीं है अभी। और एक बार मैं बता दूं, अगर दान करना है तो उस बात को किसी को बताएं मत। हम ये कर दिए, हमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हम हर साल लंगर लगवाते हैं, जब आप बता ही दिए तो भगवान के लिए बचा क्या है? गुप्त दान की महिमा चाहे भागवत में हो, शिव पुराण में हो, चाहे देवी भागवत में हो, जो भी कुछ अगर दान करना हो आप जानो, ये दाहिना हाथ से दो तो बायां हाथ को पता न चले, वो दान आपके भाग्य में लिखाता है। अभी तो टेलीविजन का जमाना है, मेरे तरफ से 5001 रुपया सहजजमान के लिए। अब क्या करे, व्यास लोग भी परेशान है, टेलीविजन पे दिखना है, पूरा दुनिया को जानना है ना कि आशा दीदी ने 5000 रुपया दिए हैं। हाँ, कि शुभारती चैनल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में लोग जानेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, दान करो कभी मत बताओ कि हमने इतना दिया है। अरे देने वाला तो वही है, बताओगे किसको? जिसको बताओगे
वो तुमको कुछ नहीं देगा, देने वाला बैठा है ऊपर। तो गुप्त दान की महिमा संत लोग बताते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हैं, बस सुने इस कान से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं। और हम के चक्कर में, मैं के चक्कर में हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कहां रहना चाहिए, कहां पहुंच जाते हैं हम। लेकिन मेरे भाई बहन, कुछ अच्छे लोगों के वजह से ये भक्ति चल रही है, अच्छे संतों के वजह से इस सनातन धर्म बचा हुआ है।